चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं फ्रॉग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। बच्चों, यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो मेल और फीमेल दोनों में ही वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आती हैं येलो कलर की ओवॉइड टेस्टीज, और ये जो है यहाँ से ओपन होती है वासा एफरेंशिया में, जो कि 10 टू 12 इन नंबर्स होती हैं। बच्चों, ये जो वासा एफरेंशिया है ये ओपन होती है किडनी में, और जाकर ये बिडर्स कैनाल के अंदर ओपन होती हैं। फाइनली ये जो है ये कम्युनिकेट करती हैं यूरिनोजेनाइटल डक्स से, और ये यूरिनोजेनाइटल डक्स जो हैं ये फाइनली ओपन होती हैं क्लोएका के अंदर। बच्चों, ये जो क्लोएका होते हैं ये स्मॉल मीडियम चैम्बर्स होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं फीकल मैटर को, यूरिन को और स्पर्म्स को एक्सटीरियरली पास करने में। बच्चों, अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं अ पेयर ऑफ ओवरी, और बच्चों ये जो ओवरी होती हैं ये सिचुएटेड रहती हैं किडनीज के पास में, लेकिन इनका कोई किडनी से फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता। यहाँ से अराइज होती हैं अ पेयर ऑफ ओविडक्ट। ये ओविडक्ट्स जो होती हैं ये सेपरेटली ओपन होती हैं क्लोएका में। ये जो ओविडक्ट्स हैं ये यहाँ से ओपन होंगी इस क्लोएका के थ्रू। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है यूरिनरी ब्लैडर। बच्चों, जो मैच्योर फीमेल होती हैं वो 2500 से लेके 3000 ओवा तक एक टाइम पर रिलीज करती हैं। बच्चों, अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और ये वाटर के अंदर होता है। ये है फर्टिलाइज्ड एग, और ये जो दिखाया है ये है एक लार्वल स्टेज यानी कि टैडपोल। तो यहाँ पर लार्वल स्टेज इन्वॉल्व रहती है, इसीलिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। और बच्चों, ये जो टैडपोल होता है ये बेसिकली मेटामॉर्फोसिस के अंदर जाता है एडल्ट को फॉर्म करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस, तभी जो है ये एडल्ट यहाँ पर फॉर्म होता है। जो अगर फ्रॉग्स के बेनिफिट की बात करें मैनकाइंड के लिए, तो ये जो है ये इंसेक्ट्स को खाते हैं और हमारी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं। यानी अगर ये इंसेक्ट्स को खा लेंगे तो हमारी क्रॉप्स जिससे डैमेज हो सकती है वो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, और साथ ही हम ये नहीं भूल सकते कि ये फूड चेन का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इसलिए इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये मैनकाइंड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।